सबसे बड़ी खुशखबरी की बात मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे यहाँ जो गौशाला है, यहाँ पे पीछे में जो गौशाला है, वहाँ एक गाय ने बच्चे को जन्म दिया है। और यादव हैं हम लोग और भगवान कृष्ण के वंशज हैं, तो गाय से तो प्रेम होगा ही। यह हमारे सेवा में रहते हैं, हमारा सारा काम वाम वगैरह करते हैं, मुझसे दिलवार। ये सिंदूर का पेड़ है, इसको निकाला जाता है, जैसे ये निकल गया और ऊपर से इतना प्लेन जाता है ना कि दिमाग खराब हो जाता है आपका। देखिए ऊपर प्लेन जा रहा है। गुड आफ्टरनून, आप देख रहे हैं LR ब्लॉग, मैं हूँ तेज प्रताप यादव। अभी हम हैं 10 नंबर में। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे यहाँ जो गौशाला है, यहाँ पे पीछे में जो गौशाला है, वहाँ एक गाय ने बच्चे को जन्म दिया है। तो चलिए हम उसको दिखाते हैं। जैसे हैं कि जो गाय का जो दूध वगैरह है वो लेते हैं, खटाल से लेते होंगे सब जगह से, लेकिन हमारे ही इतना बड़ा कैंपस है यहाँ 10 नंबर का कि यहाँ पे बहुत सारा आपको गाय है। पीछे में आपको दिखा रहे हैं कि वो जो गाय देखिए, कम से कम गाय और बछड़ा सब मिला करके कम से कम 50-60 होगा, 50-60 बछड़ा गाय सब मिला करके सारा चीज़ है। आइए आपको दिखाते हैं, वो जो नन्ही सी जो जान है उसको मैं आपको दिखाने का काम करता हूँ, जो गाय का जो बच्चा है। ये क्या कर रहे हैं आप? ये माली हैं, ये गार्डन में गोबर और जो खाद होता है जिससे प्लांट हमारा अच्छा रहता है, हरा भरा रहता है, तो गोबर और क्या डाल रहे हैं? खाद? हाँ, गोबर है, मिट्टी है और DAP है। DAP? अच्छा, यूरिया खाद जो होता है, वो सारा चीज़ उसमें मिक्स करके इसमें डालें प्लांट में, उससे क्या होगा? इससे इसका ग्रोथ बढ़िया होगा। अच्छा, ग्रोथ अच्छा होता है। ग्रोथ अच्छा करने के लिए उसमें यूरिया खाद वगैरह जो है, गोबर प्लांट जो है, उसमें डाला जाता है। आइए आपको दिखाते हैं। ये तो आप गार्डन है, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको दिखा दें कि यहाँ पे गोट है हमारे पास, ये बकरी, इसको पापा ने बहुत शौक से रखा है इसको, ये गोट को, ये जो गोट है इनको पापा ने बहुत शौक से इसको रखा है। आप देखिए कि इनका जो है, ये इनका दाढ़ी है, यहाँ पे दाढ़ी निकला है, ये दाढ़ी, तो इनको पापा बोलते हैं, इनको बहुत अच्छे प्यार से इनको बोलते हैं मौलाना साहब की जो दाढ़ी होती है, साधु बाबा की जैसे दाढ़ी होती है बड़ी बड़ी, उसी तरीके से इनकी दाढ़ी है। और ये बकरी नहीं समझते हैं, ये भी सदस्य हैं यहाँ पे, जितने भी हैं सब ये सदस्य हैं, जितने भी जानवर हैं, जिन इन चीज़ों से हमें और ख़ासकर हम लोगों को लगाव है, ख़ासकर गाय से। और यादव हैं हम लोग और भगवान कृष्ण के वंशज हैं, तो गाय से तो प्रेम होगा ही, तो इसलिए ये गाय का शेड वगैरह सारा बना हुआ है, आप देखिए। और यहाँ पे गाय खाती है, यहाँ पे रात में बंद जाती है और इसमें खाना वगैरह सब दिया जाता है, तो गाय खाती है। उधर भी देखिए ये बना हुआ गाय का खाने का, ये सब गाय यहाँ बंधती है और यहाँ खाने का व्यवस्था शाम में उन लोग का हो जाता है। तो इधर कुछ बछड़े हैं और नया जो बछड़ा आया कौन सा है? LR ब्लॉग पे हम आपको दिखा रहे हैं, जितने भी हमारे फॉलोवर हैं, जितने भी हमारे व्यूअर हैं, वो आप देखिए कि ये रात में ये बछड़ा हुआ है, बहुत क्यूट है ये। आओ इधर आओ, ये बाछी है ना, ये बाछी है, बाछी। ये हुआ है, इसी को मैं दिखाना चाह रहा था, जितने भी फॉलोवर हैं और जितने भी हमको फॉलो कर रहे हैं, ये देखिए, इनको देखिए आप, इधर देखिए, कैमरे में देखिएगा, कैमरे में ये देखिए,
हाँ इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर इधर, अरे इधर देखिए, इधर भाग रही है अभी, एकदम क्यूट सी है। और दो और है, ये देखिए दो और है, ये दो और है, इधर है, इधर भी आपको काऊ दिखा देते हैं, वो दिखाइए हमारे व्यूवर्स को जितने में, वो उधर काऊ है वो। यहाँ पे गाय को बांधा जाता है, फिर खाना भी मिलता है, और खाना देने वाली ये हैं मिस्टर अनिल, हम इनसे जानने का काम करते हैं कि गाय को आप खाना क्या देते हैं, ये बताइए। देते हैं, चोकर देते हैं, खली देते हैं, बेसन देते हैं, और पानी डाल कर मिला कर गाय को बांध, और वो दर्रा जो है वो दर्रा दिखा सकते हैं कहाँ पर देते हैं। अच्छा ये मकई का दर्रा, अभी देखिए गरम है, ये दाल है और ये मकई का दर्रा, ये हम लोग गाय को देते हैं, पौष्टिक होता है, पौष्टिक आहार होता है, इससे गाय को मजबूती भी बहुत अच्छा मिलता है इनको। और ये जो गाय है इसी का ये बछड़ा है, ये देखिए ये भूसा हो गया, उसका भूसा घर बोलते हैं, ये भूसा घर है, इसमें गाय का फूड वगैरह, खाना वगैरह सारा, चोकर, मीठा, खल्ली, सब सब इसमें है। इसमें चोकर है, ये आप देख रहे हैं, ये चोकर है, ये चोकर हो गया, इसमें मीठा भी है, गुड़ भी है, इसके अंदर क्या है? अच्छा ये दर्रा, यही जो दर्रा जो खाती है जो गाय, ये दर्रा है, ये बहुत प्योर होता है और ये बहुत पौष्टिक होता है, ये गाय को हम लोग देते हैं, बहुत अच्छा होता है, बहुत लाभ करता है इसको देने से। और सबसे बड़ा चीज आपको, सबसे महत्वपूर्ण चीज हम आपको दिखाते हैं कि सिंदूर का पेड़, सिंदूर का पेड़ हमारे ही कैंपस में 10 नंबर में सिंदूर का पेड़ है, आप ये देखिए, ये सिंदूर का पेड़ है, ये सिंदूर का पेड़ है, इसको निकाला जाता है, जैसे ये निकल गया और निकलने के बाद इसको खोला जाएगा, ये देखिए आपको खोल के दिखाते हैं, ये देखिए इसको मैंने खोला है ये, और ये जो बीज है ये जब सूखता है ना तो इसको सिंदूर निकलता है, देखिए थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, ये देखिए ये सिंदूर का पेड़ है, ये देखिए एक दाना इसको नचोड़ेंगे, ये देखिए टीका हो जाएगा, इसको टीका लगा सकते हैं ऐसे, आपको लगा देते हैं, ये टीका हो गया, ये सिंदूर का, अब ये सूखेगा तब, ये सूखेगा तो आपको सिंदूर का हो जाएगा, ये देखिए इधर इधर लाइए, ये देखिए ये सूखता है तो सिंदूर का पेड़ हो जाता है। तो हमें बाहर से कोई भी प्रोडक्ट जो है लेने का ज़रूरत नहीं होता, जो भी चीज़ चाहिए होता है नेचुरल ऑर्गेनिक सारा हम यहीं घर से ही लेते हैं। ये हमारे साईं बाबा का मंदिर है, ये साईं बाबा का मंदिर है, ये अभी मंदिर बंद है, शाम में खुलेगा, इधर भोले बाबा हैं, और ये बाबा हैं तो पूरा टाइम जैसे हैं बाबा यहाँ पे, इनका नाम सचिन बाबा है, सचिन बाबा आप हमारे एलआर ब्लॉग जो है हमारा इस पे हमारे जितने व्यूवर हैं आप कुछ बताइए। सभी को राधे राधे, यहाँ पे हम रहते हैं प्रतिदिन अपना पूजा पाठ ये भी करते हैं, नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ आप अपना सेवा भी करते हैं, तो यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर नित्य प्रतिदिन ये पूजा पाठ करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे गांव से हैं जी।
यह हमारे गांव से हैं, फुलवरिया से हैं। इनके पिताजी हमारे गांव में सेवा देते हैं। वहां भी मंदिर है, माता का है, कृष्ण भगवान का है, भोले बाबा का है, राम दरबार है, सारे देवी देवता का वहां पे मंदिर है। और वहां एक प्राचीन मंदिर भी है, राम मंदिर। तो वहां भी सेवा देते हैं इनके पिताजी, और ये जो हैं यहाँ सेवा देते हैं। हो गया आपका मूंगफली, चिनिया बादाम ये भी है। तो हमने कहा आपको कि बाहर से कोई भी चीज़ मैं नहीं लेता हूँ, सब चीज़ है, सब घर का है, सब चीज़ नेचुरल है, हर एक चीज़ लिए हम। आइए आपको ये देखिए, ये आंवला का पेड़ है, आंवला भी है यहाँ पे, लेकिन आंवला हम लोगों ने अभी तोड़ा, उसका मुरब्बा बनाया आंवला का। ये देखिए चिनिया बादाम, ये भी यहीं का है, ये देखिए। तो सब नेचुरल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई बाहर का नहीं लेते हैं, कोई बाजार का चीज़ नहीं इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कुछ कुछ बैगन भी है, तुलसी जी का भी पेड़ है, बैगन भी फला है इस पर। ये देखिए, ये आपको बैगन दिखा दें, ये बैगन है। ये नींबू देखिए, नींबू फरा है यहाँ पे, ये देखिए, ये नींबू है। आइए, कमर जी हैं, वो विधायक हैं पार्टी के, उन्होंने हमको गिफ्ट किया है ये। इसमें देखिए मेरा प्रिंट है, मेरा पिक्चर बना हुआ इस शॉल पे, इस शॉल पे मेरा पिक्चर बना हुआ है ये। और ऊपर से इतना प्लेन जाता है ना कि दिमाग खराब हो जाता है आपका। देखिए ऊपर प्लेन जा रहा है, प्लेन जा रहा है, देखिए दिमाग खराब होता है जब जब प्लेन गुजरता है। हम लोगों को तो खैर आदत हो गया है, लेकिन नया कोई व्यक्ति आएगा तो देखेगा, अचानक शॉकिंग हो जाएगा उसको कि अरे ये ऊपर से क्या जा रहा है। थॉर है, थॉर, थॉर, थॉर है ये, अपना डॉग है, पेट है ये थॉर, लैब्रा डॉग, बहुत सीधा है। यहाँ आइए, फोन रूम है ये, किसी का कॉल वगैरह आता है ये, किसी का कॉल वगैरह आता है तो यहीं से अटेंड होता है। हाँ, तो ये जो है टेलीफोन रूम है, और ये मिस्टर दीपक हैं यहाँ पे। और आप यहाँ कब से हैं मिस्टर दीपक, ये बताइए। मैं यहाँ पिछले 13-14 सालों से कार्यरत। और मतलब कि आप किस तरीके से काम करते हैं बताइए, आप यहाँ पे किस पोस्ट पे हैं, आप क्या काम है आपका, क्या काम करते हैं यहाँ पे? सर हमारा मेन वर्क होता है, जो लोग आते हैं साहब से मिलने के लिए उनको अब समय वगैरह दे पाते हैं। और अभी जो हमारा जो स्वास्थ्य जैसा कॉल वगैरह जो कोई अगर करता है तो यही अटेंड करते हैं, यही साहब से भी और सबसे, हम लोग से सबसे ये बात कराने का काम करते हैं, जनरली इनका काम है। ये नौशाद है हमारा जो पेट है, उसको ये देखने का काम करता है। आप पेट इधर आइए, नौशाद जी आप ये पेट को कब से यहाँ पे देख रहे हैं, कितने दिन से? 2 साल से इसका केयर कर रहे हैं इसका। हाँ, ये मिस्टर दिलावर हैं, ये हमारे सेवा में रहते हैं, हमारा सारा काम वाम वगैरह करते हैं मिस्टर दिलावर। हमारे LR ब्लॉक के जितने फॉलोवर हैं उनको आप कुछ बताइए, संदेश दीजिए। तो सर के साथ रहते हैं, सर के सेवा में करते हैं, ये मेरे साथ रहते हैं ये। और आपने LR ब्लॉक पे अभी हमने आपको बहुत सारी चीज़ें को 10 नंबर के अंदर आज हमने दिखाने का आपको काम किया। आपको वीडियो कैसा लगा, सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने का काम कीजिए। आप देख रहे थे LR ब्लॉक।